वार्ड नंबर 46 गणेश नगर नयापारा चौक में मंगलवार की शाम 6:30 बजे लगभग 8 से 10 बदमाशों ने पान ठेला में खड़े पवन सोनी नामक व्यक्ति के ऊपर खुलेआम चाकू से ताबड़तोड़ हमला करते हुए उसे लहूलुहान कर फरार हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस को सूचना करते हुए उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स के द्वारा मृत घोषित कर दिया। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार मृतक पवन सोनी उर्फ मोनू गांजे का तस्करी करता था। कुछ महीनों पहले रामू यादव नाम के व्यक्ति से मारपीट की, जिस कारण रामू यादव न्यू लोको कॉलोनी निवासी ने मौके की तलाश में पुरानी रंजिश को लेकर मंगलवार की शाम गणेश नगर नयापारा चौक में अपने 8 से 10 साथियों के साथ मिलकर पवन सोनी को चाकू से गोद कर खुलेआम उसकी हत्या कर दी। पूरा मामला सरगट्टी थाना क्षेत्र का है। नयापारा में आए दिन चाकूबाजी जैसी घटना आम हो गई। नशे में चूर अपराधी तत्वों के युवाओं द्वारा आए दिन यहां से आने जाने वाले व्यक्तियों को गाली गलौज करते हैं और मना करने पर उत्तेजित हो जाते हैं। एक तरफ बिलासपुर अधीक्षक संतोष सिंह द्वारा निजात अभियान चलाकर शहर में हो रहे आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने की भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, दूसरी ओर सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के गणेश नगर नयापारा में इस तरह खुलेआम चाकूबाजी हो रही है। आपराधिक तत्वों के व्यक्तियों में पुलिस का जरा भी खौफ नजर नहीं आता। बहरहाल अभी तक पुलिस के द्वारा 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। उनके साथी व्यक्तियों की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान कर तलाश जारी है। आज सिरगिट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत गणेश नगर में पवन सोनू नामक युवक की आज एक धारदार हथियार द्वारा कुल 5 से 6 लोग द्वारा हत्या कर दी है और अभी पुलिस तुरंत मौके में पहुंच के अभी तकनीकी और बाकी एविडेंसेस के माध्यम से जो आरोपी लोगों की पता तलाशी में जुटी हुई है। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के गणेश नगर तिराहा में अभी शाम को लगभग 6:30 से 7 के मध्य एक युवक पवन सोनी के धारदार हथियार से करीब 6-7 लोगों के द्वारा मिलकर हत्या की गई है। आरोपी को चिन्हित कर लिया गया है तथा उनकी तलाश जारी है। सर, जानकारी मिली है कि जो मृतक है वो नशे का व्यापार करता था। मृतक के बारे में ये पता चला अभी प्रारंभिक जानकारी कि वो उसके विरुद्ध तोरबा थाना और सिरगिट्टी थाने में अपराध पंजीबद्ध है। बाकी अन्य जो है जानकारी जुटाई जा रही है। गिरफ्तारी भी हुई है क्या? मैं अभी कहते मैंने बताया कि जो आरोपी हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है तथा उनकी पताशाही की जा रही है। कितने लोग थे सर? प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक 5 से 6 आरोपी थे। बिलासपुर से अमित पाटली की रिपोर्ट।